आज हम बात करेंगे जी मिली बग्स को आप अपने प्लांट में से घर के उपचार से ही कर सकते हैं जी दूर। नॉर्मल हम लोग करते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता, लेकिन आज आपके साथ करेंगे जी शेयर्स कि जो मिली बग्स होते हैं जी वाइट वाइट से कीड़े आपके पौधों के ऊपर लग जाते हैं, और जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन मकदार ज़्यादा होती है तो जिस हिस्से पर लगते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं ग्रोथ होना हो जाती है जी बंद, और ये स्प्रेड होना स्टार्ट होते हैं और देखते 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 आपके पूरे गार्डन के अंदर ये फैल जाते हैं। तो इसको दूर करेंगे जी एक बहुत आसान सा उपाय है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे जी, ये है जी हमारी 1 लीटर की बोतल पानी, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए हम लाए हैं जी, ये सब लोग जानते हैं जी डेटॉल, ठीक है। तो सिर्फ डेटॉल का यूज़ करके इस पानी के अंदर हम मिलाएंगे जी इसको, ठीक है, और इसका स्प्रे करेंगे और आपको दिखाएंगे जी इसका क्या इम्पैक्ट नज़र आता है जी, ठीक है जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये 1 लीटर हमने भर लिया है और 1 लीटर के अंदर तकरीबन हम लेंगे जी 10 ml के करीब, ये कितना जी 10 ml इसके अंदर मिलाएंगे। पानी के अंदर हमने इसको मिला दिया और अच्छे तरीके से आप इसको हिला के डिजॉल्व कर लें जी, ठीक है जी। और हम क्या करेंगे, इसको करेंगे जी स्प्रे अपने इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम करते हैं जी इसको स्प्रे जी, हमने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया और आप देख सकते हैं ये झड़कर नीचे ज़मीन के ऊपर ये गिर गए हैं, ठीक है जी। अभी एक बार हम और स्प्रे करेंगे क्योंकि अभी एक हाथ में हमने इसको पकड़ रखा है, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो स्प्रे करते हुए नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम आपको दूसरे प्लांट के ऊपर दिखाते हैं जी। ये जी हमारा हेमेडिया, ठीक है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम करेंगे जी इसको जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन दिख रहा है वहाँ पर आप सिर्फ डेटॉल का स्प्रे, कुछ नहीं मिलाया इनके अंदर, ना हमने इसके अंदर कोई शैम्पू मिलाया ना कुछ मिलाया। अगर आप मिला लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका रिजल्ट भी हम आपके साथ करेंगे जी शेयर कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है जी, ठीक। अभी आप देखेंगे कुछ हमारे प्लांटों को भी अटैक हुआ है, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे प्लांटों के ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हमारा चंपा है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ये वाइट वाइट, ये पत्तों के पीछे ज़्यादा असर करते हैं जी, नहीं जी पत्तों के पीछे। हमने नीम ऑयल का स्प्रे किया था लेकिन उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हमको नज़र नहीं आया जी। नीम ऑयल का स्प्रे भी हमने किया था लेकिन उससे ये किल नहीं हुए थे। तो हमने चाहा कि डेटॉल का स्प्रे करते हैं क्योंकि कहीं पर हमने देखा था जी इसको यूट्यूब के ऊपर, तो चाहा कि आपके साथ भी हम करें जी शेयर और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसके साथ भी हम करेंगे जी शेयर। अभी तो हम सिर्फ जस्ट स्प्रे इसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी।